मंत्री पद के लिए कांग्रेस के दो नेताओं के नाम तय, बाला साहेब थोराट और नितिन राउत आज लेंगे शपथ। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। जम्मू में भारी बर्फबारी के कारण हाईवे पर फंसे यात्री। मनोज तिवारी प्रवेश वर्मा के खिलाफ समन जारी, 18 दिसंबर को होना होगा पेश। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आरिफ मसूद बोले रद्द हो सदस्यता। उद्धव ठाकरे आज शाम 6:40 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस और एनसीपी के दो दो नेता मंत्री बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से दोनों नाम तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट और नितिन राउत मंत्री पद की शपथ लेंगे। अशोक चौहान का पत्ता कट गया है। कांग्रेस ने आज साफ किया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वे आज शपथ नहीं लेंगे। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि वे राज्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। ऐसी चर्चा थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी न्योता दिया है। राज ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। तमाम जद्दोजहद के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं, मगर न्योते के बावजूद उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं जाने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी के दूसरे बड़े नेता जरूर ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी के समारोह में नहीं जाने की वजह बताते हुए कहा कि राहुल अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उनके जाने की कोई वजह नहीं थी। वहीं सोनिया गांधी से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनका गला खराब है, इसी कारण वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हैं। हाल ही में अपनी सेहत की वजह से ही सोनिया गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के दौरान प्रचार भी नहीं कर सकी थी। हाल फिलहाल वो दिल्ली छोड़ के अन्य राज्यों का दौरा भी नहीं कर रही हैं। हाल ही में उनका छत्तीसगढ़ दौरा भी अचानक सेहत को देखते हुए ही टाल दिया गया था। जम्मू कश्मीर में मौसम के करवट लेते ही ठंड बढ़ गई है। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह चट्टाने खिसकने और भूस्खलन के चलते हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी हो रही है, साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश और ओला वृष्टि की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। खराब मौसम का सबसे ज्यादा सामना पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले लोगों और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों को करना पड़ रहा है। दरअसल खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन और बनिहाल इलाकों में कई जगह पहाड़ों से चट्टाने खिसकी हैं, जिसके चलते हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने के कारण सैकड़ों यात्रियों के वाहन इस हाईवे पर फंस गए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी कब बंद होगी इसके बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों को समन जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, हंस राज हंस को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि इन नेताओं ने उनके ऊपर स्कूलों के निर्माण में 2000 करोड़ का घपला करने का झूठा आरोप लगाया, जिससे जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने तीनों सांसदों को 18 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। लोकसभा में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से दिए गए बयान के बाद देश भर में सियासी तूफान मचा हुआ है। वहीं अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की संसदीय सीट भोपाल में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल मध्य विधानसभा सीट से विधायक आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि रक्षा समिति से प्रज्ञा ठाकुर को हटाना काफी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने दूसरी बार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आपको बता दें कि बुधवार को लोकसभा में एसपीजी बिल पर चर्चा के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। इस पर हंगामा मचने के बाद लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को इस सदन की कार्यवाही से निकालना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस ने लोकसभा में गुरुवार को साध्वी के बयान के बाद जमकर हंगामा किया।